सो हे गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज गौरव एंड स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास है ओप्पो A9 2020 वर्जन और आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यह है ओप्पो A9 2020 का बॉक्स एंड पीछे हमको कुछ स्पेसिफिकेशन हाईलाइट किए गए हैं। साइड में ओप्पो के ब्रांडिंग एंड आपको फ्रंट और ओप्पो A9 का पिक्चर एंड अगेन साइड में आपको यहाँ पे ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर हम इसे कट करते हैं तो इसकी जो प्लास्टिक की आवाज़ है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आवाज़ होती है। अनबॉक्सिंग का मेन पर्पज़ दोस्तों इसका आवाज़ सुनने के लिए होता है एंड इस आवाज़ में कुछ नशा सा है। एंड अगेन हमें पीछे कुछ एक स्टिकर देखने को मिल जाता है। अगर हम इसको कट करते हैं देन उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो काफ़ी लंबा सा बॉक्स है, हल्का सा टाइम लगता है। एंड सबसे पहले हमें सामने यहाँ पे ओप्पो का एक यह लोगो का देखने मिल जाता है। पहले हम इसको एडजस्ट कर ले थोड़ा। एंड यहाँ पे ओप्पो का लोगो जिसके अंदर आपको सिम इजेक्टर टूल और कुछ पेपर वर्क्स एंड कवर देखने को मिल जाता है। और सामने की ओर हमें यह फ़ोन देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा फ़ोन है। इसका डिज़ाइन जो है ग्रेडियंट स्टाइल बहुत ज़्यादा प्यारा है। एंड आपको इसके बाद हम इसको थोड़ा बूट करते हैं, देखते हैं इसमें बैटरी हैवी या नहीं, देन देखते हैं वाइब्रेशन आता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बैटरी है। थोड़ा रखते हैं इसको साइड में। एंड अंदर बॉक्स में हमें सबसे पहले यहाँ पे 10 वोल्ट का एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि फास्ट चार्जर नहीं है, हमें नॉर्मली चार्ज करने को मिल सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले मेरे को देखने को मिलते हैं यहाँ पे लीड ईयरफोन जो कि मुझे पहली बार देखने को मिला किसी अनबॉक्सिंग में। एंड USB टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात भी है कि USB टाइप सी देखने को मिलता है हमें, वरना आजकल कंपनियाँ तो हमें पागल ही बना रही है। और इसके अलावा इस बॉक्स में हमें, जैसे कि हमें पता है, इसमें एक केस देखने को मिलेगा जो कि एक अच्छी क्वालिटी का केस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर पेपर वर्क्स एंड सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। अब इन सबको रखते हैं थोड़ा साइड में, फ़ोन हो रहा है लोड और हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं सेटअप को। तो गाइज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हमारा सेटअप और सबसे पहले यहाँ पे हमको 6.5 इंचेस का HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको कई सारे ऐप्स भी देखने को मिलते हैं जो कि थर्ड पार्टी यहाँ पे चाइनीज़ ऐप्स है। और अगर हम अबाउट फ़ोन में जाए और यहाँ पे हमको स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर और यहाँ पे जो हमारे पास वेरियंट है 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। और सॉफ्टवेयर अपडेट अभी हम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऐप ड्रॉअर वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें राइट साइड में पावर बटन, पीछे की ओर हमें ग्रेडियंट लुक और क्वाड कैमरा सेटअप, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमें वॉल्यूम रोकर्स एंड सिम ट्रे देखने को मिलती है। नीचे में USB टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल्स एंड 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पे मैं फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे हमें पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे ग्लासी लुक देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हमें ब्लू और पर्पल का ग्रेडियंट लुक मिल जाता है। और बैक में हमें यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि मेन कैमरा यहाँ पे 48 MP का दिया गया है विद अपर्चर 1.8 के साथ। एंड सेकंड कैमरा यहाँ पे 8 MP का वाइड एंगल एंड 2 MP का मोनोक्रैम और 2 MP का यहाँ पे हमें डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और साइड में आपको LED फ्लैश भी देखने को मिलता है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 16 MP का हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमें फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे हम बात करें इसके फिंगरप्रिंट की तो आप स्पीड देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है वैसे कलर OS की तो। एंड फेस अनलॉक की भी बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड है यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे लाइट कंडीशन कम है। उसके अलावा दोस्तों काफ़ी ईजिली है, वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से अनलॉक कर दे रहा है फ़ोन को। और फिंगरप्रिंट आपको पता ही है कलर OS का काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता ही है। सो यह था इस फोन में और आप बताइए आपको क्या लगा इस अच्छा फोन में। सो गाइस, बस फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। और ओप्पो A9 यार, आप सोच रहे हो मैंने चाइनीज़ फ़ोन क्यों मंगवाया। सो गाइस, ये फ़ोन मेरा नहीं है ना मेरे रिलेटिव्स में, मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उन्होंने ऑर्डर करवाया था मुझसे ही, बट मैं यार कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि उन्होंने पहले से अपना प्लान बना के कहा कि ये फ़ोन मेरा ऑर्डर कर दो। मैंने कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने पैसे दे दिए, मैंने ऑर्डर कर दिए। बट अब मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता कि नॉन चाइनीज़ लो। सो गाइज, आपकी मर्ज़ी है। और यार मेरा काम था चलो वीडियो बना दूँ और अनबॉक्सिंग कर दिया। सो गाइज, डोंट हेट बट प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट अपना प्यार दिखाइए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की अनबॉक्सिंग फ़ोन रिव्यूज़ वीडियो रोज़ाना मिलती रहती है। तो मिलता हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।